Only 2 minutes, not more than that. Yes. बहुत बहुत धन्यवाद मैम. प्लीज प्लीज. पहली नजर में जो आज ये बिल लाया गया है वो पहली नजर में एक चुनावी स्टंट है. चुनावी स्टंट लग रहा है. क्या कर रहे हो? 8 बजने आ गए, पूरा नहीं करना है. बोलिए, बीच बीच में मत बोलो. बोलिए बोलिए. बीजेपी वालों सुन लो. भगवान जी सुनने का मतलब आप यहाँ बात करिए. पहली नजर में ये चुनावी स्टंट है मैडम. बीजेपी वालों से हम भी चाहते हैं वीकर सेक्शन जो है, जो आर्थिक तौर पर गरीब हैं, उनको ऊपर आना चाहिए. उनको उनको उच्च पद की शिक्षा मिलनी चाहिए. उनका सोशल लाइफ जो है उनकी वो ऊपर होनी चाहिए. लेकिन अगर बीजेपी वालों के दिल में और मन में, अगर बीजेपी वालों के मन में और दिल में गरीबों का इतना ही ख्याल होता तो ये बिल पहले सेशन के पहले दिन आता, लेकिन ये आखिरी सेशन के आखिरी दिन लेके आए. क्या टाइम है? क्या टाइम रह गया? इसका मतलब ये चुनावी स्टंट है. और ये भारतीय जुमला पार्टी बीजेपी, भारतीय जुमला पार्टी का एक और जुमला है. और प्रधानमंत्री अगले 10 दिन में आपको कहीं ना कहीं रैली में ताली बजाकर ये बोलते नजर आएंगे, मैंने तो बिल लाया था लेकिन इन्होंने ये कैंसिल कर दिया. अगर अगर तमन्ना है, अगर मंशा है तो पास करो. असल में कुछ राष्ट्रीय जो आरएसएस के कुछ लोग हैं उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि असल में हमने अंदर घुसना है. एक बार संविधान में अमेंडमेंट हो जाए, हम एससी एसटी एक्ट की जो रिजर्वेशन है वो भी हम उस कम करेंगे, धीरे धीरे कम करेंगे. क्योंकि बिहार में इन्होंने बयान दिया था बिहार में कि रिजर्वेशन खत्म होनी चाहिए. ये इस बात को लेके ये बात कर रहे हैं. अब इनको मिर्ची लग रही है, अब इनको मिर्ची लग रही है. बोलो बोलो बोलो. मैं ये कह रहा हूँ देखिए ये धीरे धीरे एससी एसटी एक्ट का जो रिजर्वेशन है उसको खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि दलितों पर अत्याचार पहले होते रहे. मैडम आखिरी बात है. मैडम 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 आखिरी बात. मैडम आखिरी बात है. बिल के पंजाब पंजाबी के एक बहुत बड़े शायर हैं, दलित थे, संतराम उदासी गरीबों के लिए लिखते रहे हैं. दलित समाज के लिए लिखा, दबे कुचल लोगों के लिए. पंजाबी में उन्होंने लिखा, गल लग के सीरी दे जट रोवे, बोला बिचों नीर बगया, लिया तंगली नसीबा नू फरोलिए, तूड़ी बिचों पुत जगया. सो आज मैं जट सिख बरादरी से आता हूँ, जिसको पंजाब में जाट कहते हैं. हमारा भी बुरा हाल है, नाम के जाट रह गए हम. तो क्या क्या करोगे, किसके लिए दोगे? अगर तमन्ना होती पहले आता. अब पता है सिर्फ एक मुद्दा बनाना है, राज्यसभा में तो पास होगा नहीं, मुद्दा बनाना है, बना लो. एक और जुमला, बीजेपी भारतीय जुमला पार्टी. उपेंद्र कुशवाहा जी.